हाय एवरीवन, आज आपको बापू बाजार लेकर आई हूँ। यहाँ पे एक पर्टिकुलर शॉप है, उसका आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेस मटेरियल है जो बांधनी कलेक्शन में आता है, जिसमें गोटा पत्ती का काम किया हुआ है। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर होता है। इनके प्राइजेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे प्राइस मेंशन नहीं करूंगी। अगर आपको कुछ भी परचेज करना हो या इंक्वायरी करनी हो तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, वहां पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आप शॉप ओनर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। ब्लू कलर में आपको डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे, मल्टी कलर में आपको मिल जाएगा, जो बांधनी कलेक्शन में भी आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको लहरिया स्टाइल में मिल रहा है। उसके अलावा और भी सारे मटेरियल्स मिलेंगे जिनको आप स्टिच करा के अपने अनुसार बना सकते हैं। गले का लाइनिंग आपको इसी प्रकार का मिलेगा। इनमें अलग अलग कलर्स और अलग अलग डिजाइन आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये ब्लू कलर में लहरिया है, नेवी ब्लू में, डार्क ब्लू में। अब आपको मैं जो दिखा रही हूँ वो देखिए कितना मल्टी कलर में है। और यहाँ पे आपको बांधनी कलेक्शन में मिलेगा, इसमें बांधनी प्रिंट है और उसमें आपको गोटा पत्ती का काम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर है, और इसका जो मटेरियल है बहुत ही सॉफ्ट, एकदम हार्श टाइप का नहीं है, तो मटेरियल अच्छा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्वालिटी अच्छी है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सुंदर गोटा पत्ती का काम किया हुआ है गले की तरफ। इसमें काफी जो कुर्तीज होती है ना, उसमें गोटा पत्ती का काम थोड़ा हल्का और भारी भी हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए फ्लोरेंट प्रिंट में भी आपको मिल रहा है, यहाँ पे देखिए चंदेरी के मटेरियल में भी आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, इनके पास वाइड रेंज ऑफ कलेक्शंस है। ये आप देख सकते हो डिफरेंट कलर्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, मरून हो गया, फ्लोरेंट प्रिंट हो गया, पिंक हो गया, रेड हो गया। बांधनी कलेक्शन में भी आपको लहरिया स्टाइल मिल जाएगा, तो हर प्रकार के आपको यहाँ पे कुर्तीज मिल जाएंगी। और जितना अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 500 to 600 होगा अप्रॉक्स, मैं बता रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि मैं ज्यादा प्राइसेस नहीं बताऊंगी, पर रेंज मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इतने रेंज में आपको मिल सकता है। बाकी आपको डिटेल आपको ओनर से बात करनी पड़ेगी, मैं आपको डिटेल में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए कितने वाइड रेंज मैंने आपको दिखा दिए हैं, यहाँ पे देखिए कितने सारे हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ दुपट्टे दिखा रही हूँ जो बांधनी प्रिंट में है। इनको रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है, इनके चारों तरफ में आपको गोटा पत्ती का वर्क मिल जाएगा, जिसे आप लहंगा साड़ीज के साथ वेयर अप कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे हैवी गोटा पत्ती का काम किया हुआ है, जिसमें बांधनी काम किया हुआ है। इसमें इसे आप लहंगा और तीज त्योहार में पहन सकते हो, मल्टी कलर में भी आपको ये मिल जाएगा, जो बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे मारवाड़ियों में तीज त्योहार होते हैं, जैसे बड़ा तीज हो गया, छोटा तीज हो गया, उसमें हम लोग दुपट्टा रखते हैं, बाकी भी फंक्शंस में रखते हैं, तो आप इस तरह के गोटा पत्ती के काम किए हुए दुपट्टे को ओढ़ सकते हो, लहंगा के साथ पहन सकते हो, सूट के साथ कंपाइल कर सकते हो। चारों तरफ आपको बॉर्डर्स बहुत सुंदर मिल जाएंगे। इन सबके प्राइसेस भी अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो मैं यहाँ पे अप्रॉक्स तो नहीं बता सकती, बट फिर भी अगर आपको जानना हो तो आप प्लीज कॉन्टैक्ट कर सकते हो ओनर से। उसके बाद मैं आपको यहाँ का फेमस महारानी साड़ी दिखा रही हूँ। इनका क्वालिटी बहुत ही फाइन क्वालिटी है, और यहाँ पे आप देखोगे इसका खासियत ये होता है कि ये गोल्डन प्रिंट में आते हैं, और यूजुअली ऐसे वाइट बेस में इसका प्रिंट होता है, जिससे कि जो डार्क कलर्स है वो ज़्यादा उभर के आए। इसके नीचे आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े ये प्रिंट्स बने होते हैं, हाथी, घोड़ा, फूल, पत्ती, इन सब टाइप का। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पालकी वगैरह बनी हुई है, ऊँट पे लोग दिखते हैं, हाथी में लोग का प्रिंट होता है। तो अलग अलग प्रिंट के साथ आपको ये साड़ीज मिलती हैं, बहुत अच्छी होती है, इसमें आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसमें क्रीज नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पालकी घोड़ा बना हुआ है, तो ये सारी महारानी साड़ीज में होती हैं। बहुत सुंदर कलेक्शन है, और इसका जो क्वालिटी है वो फाइन क्वालिटी होता है, ऐसा बेकार सा चीप क्वालिटी में नहीं, अच्छी क्वालिटी होती है। यहाँ का फेमस है, राजस्थान में मैंने जितनी जगह देखा ये इस टाइप की साड़ीज बहुत ज्यादा चलती हैं। इनमें अलग अलग कलर्स और प्रिंट आपको मिल जाएंगे, बट बेसिक कलर जो होता है वो ऑफ वाइट कलर में होता है, जो बहुत ही एलिगेंट लगता है। आप देख सकते हैं कि पल्ले में और नीचे की तरफ जो बॉर्डर्स हैं उनमें हाथी घोड़े का प्रिंट मिल जाएगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेडिशनल प्रिंट्स होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ब्लॉक प्रिंट में ही आपको मिलेगा। और बीच में जो काम है वो पत्तियों का या बूटियों का काम मिल जाएगा, जो बहुत ही सुंदर लगता है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉर्मल साड़ीज भी मिल जाएंगी, इनके प्राइजेस भी अलग अलग होते हैं, डिफाइंड होते हैं, एंड सबकी क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग आपको प्राइजेस मिलेंगे। यहाँ पे भी आप देखोगे तो इसमें देखिए कितना ज्यादा वाइब्रेंट कलर है, जैसा मोर कलर जो होता है उस टाइप का है, और साइड में बॉर्डर्स बने हुए हैं, और
और पल्ला इसका बहुत हैवी होता है। इनके प्राइसेस भी कुछ अलग ही होते हैं, मतलब 1000 के अप्रॉक्स होते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैं आपको महारानी साड़ी दिखा रही हूँ, ये भी वाइब्रेंट कलर्स में है। मतलब मैंने आपको बोला ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ साड़ीज आपको इसमें मिलेगा, बट जो सबसे ज्यादा चलता है वो व्हाइट ऑफ व्हाइट बेस में आपको मिलेंगे बहुत सारे। उसके अलावा भी आपको यहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर साड़ी की कलेक्शन मिलेंगे, जो महारानी साड़ीज ही होती हैं उनके कलेक्शन आपको मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो रेड एंड पर्पल में आपको मिलेगा, जो सॉरी नॉट पर्पल, जो एकदम डार्क ब्लू नेवी ब्लू के स्टाइल में होता है। यहाँ पे देखिए ये सारे कलेक्शन अलग अलग हैं, इनके जो बॉर्डर्स जो होते हैं उनमें अलग अलग प्रिंट होते हैं, इस वजह से ये बहुत खास बन जाते हैं। और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर है, इनके प्राइसेस लगभग 1000 के आसपास होते हैं। ये देखिए ये वाला भी महारानी साड़ी है, इसका पल्ला आप देख सकते हैं बहुत ही हैवी है। मैंने भी ट्राई किया था पर मुझ पर उतना खास लग नहीं रहा था, क्योंकि मैं ज्यादा फेयर हूं तो मेरे ऊपर ऑफ वाइट नहीं, बाकी डार्क कलर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो उस वजह से मुझे ये वाला साड़ी उतना खास नहीं लगा, बट पहनने में बहुत रॉयल फील हो रहा था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुल साड़ी है, बट कलर मेरे पे उभर के नहीं आ रहा था। तो मैंने ये वाला कलर नहीं, मैंने ब्लू कलर में लिया है। नेक्स्ट टाइम जब मैं हॉल बनाऊंगी तो हॉल में आपको दिखाऊंगी कि मैंने खरीदा क्या है। यहाँ पे देखिए साड़ी मैंने आपको एक और दिखाया जिसका आप पल्लू देख सकते हैं, उसमें कितना हैवी वर्क है। और बीच के बॉर्डर में देखिए छोटी छोटी बूटियां बनी हुई है और चारों तरफ बॉर्डर में अलग सा प्रिंट किया हुआ है, देखो कितना सुंदर लगता है। ये सारे वाइब्रेंट कलर्स हैं, इन सबको आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुर्तीज मिल जाएंगी और जो डेली वेयर के हिसाब से आप पहन सकते हो। सबके रेंज अलग अलग है, अलग अलग स्टाइल के आपको मिल जाएंगे, अलग अलग क्वालिटी में मिल जाएगा, ब्लॉक प्रिंट में मिल जाएगा, एम्ब्रॉयडरी में मिल जाएगा, लहरिया में मिल जाएगा और सांगनरी प्रिंट आप देख सकते हो। इन सबके प्राइसेस अलग अलग हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, नमस्कार दोस्तों।